हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम अरशद है और मैं CEO हूँ क्यूलिंक्स का। अभी हमारा एग्रीमेंट ज़मीन के साथ फाइनलाइज हुआ है इस प्रोजेक्ट को मार्केट करने के लिए। और इस प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, इसका नाम हाई स्ट्रीट जो रखा है तो इसकी भी एक वजह है, क्योंकि इंटरनेशनली हाई स्ट्रीट का कॉन्सेप्ट यह है कि यहाँ पर सारे एक जगह के ऊपर ब्रांड्स आते हैं और एंकर ब्रांड्स यहाँ पर होते हैं और पूरे शहर का ये एक मरकज़ बनता है। हमने इसका नाम क्यों रखा है, एक तो खैर इसकी शक्ल भी आप देखें नक्शे के ऊपर थोड़ी स्ट्रीट की तरह से है, एक तो वो उस तरह से बनेगी मेन हाई स्ट्रीट की तरह, और दूसरा ये है कि ये लोकेशन जो है लाहौर में टॉप की लोकेशंस के अंदर, क्यों मैं इसको कहता हूँ, अगर आप रिंग रोड को देखें और सदरन और ईस्टर्न लाहौर के दरमियान में जिसने कनेक्ट किया है, तो ये दो एक किस्म के समझ के हब बनते हैं, एक DHA का हब बनता है और एक सदरन लाहौर का हब बनता है। मैं समझता हूँ कि सदरन लाहौर का सबसे इम्पॉर्टेंट हब जो है वो यहाँ पे पाइन एवेन्यू के अराउंड बनने के लिए जा रहा है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट लोकेशन जो है वो हाई स्ट्रीट के पास है। अगर आप अभी भी वहाँ पे खड़े होकर देखें तो प्राइवेट गाड़ियों का इतना रश है और यहाँ से लेकर बैरिया ऑर्चर तक इतनी प्राइवेट सोसाइटीज़ फॉल करती हैं और यहाँ से माल चौक तक और इवन मांगा रायवन रोड तक, तो ये बहुत बड़ा एक शहर का हिस्सा है जिसको ये वाले प्रोजेक्ट ने कवर करना है। अभी भी यहाँ से अभी आप गिनती करें, यानी कि जो प्रोजेक्ट की कामयाबी आमतौर पर गिनी जाती है वो देखा जाता है कि किसी भी रोड के ऊपर प्राइवेट गाड़ियाँ कितनी आती हैं, तो अभी आप गिने तो आपसे मेरा ख्याल है कि काउंटिंग इतनी मुश्किल हो जाती है। उसी दो अतराफ के अंदर एक तरफ यानी मैकडोनल्ड्स ने एक तरफ यहाँ पर बनाया और दूसरी तरफ लेक सिटी के पास भी मैकडोनल्ड्स दूसरा बन रहा है, इससे उनकी अहमियत का एहसास होता है, क्योंकि वो बाकायदा रिसर्च करके ये चीज़ें बनाते हैं। खाड़ी वहाँ पर आ रहा है, सफ़ायर वहाँ पर आ रहा है, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स आ रहे हैं और इंशाल्लाह लाहौर के जो मेजर ब्रांड्स हैं, पाकिस्तान के जो मेजर ब्रांड्स हैं और सर इंटरनेशनल ब्रांड्स भी, वो भी इंशाल्लाह यहाँ पे रिप्रेजेंटेड होंगे। और आप इसमें अगर इन्वेस्ट करेंगे तो ये आपको आने वाले दिनों में इससे अच्छी, मैं समझता हूँ कि ग्रोथ किसी और प्रोजेक्ट में शायद लाहौर में नहीं होगी। थैंक यू।